चाची बहुत दिन के बाद मिली, का हाल चाल? ठीक है बच्चा, अपने अम्मा अम्मा मैं भूख लगे, का बना है? सब्जी चावल बना है बेटा। हम सब्जी चावल ना खाब। काहे बेटा सब्जी चावल ना खाबो? जो नकाश काला दाल खातरे भाई हम खाब। काली दाल? चलो देखे तो कौन दाल वो खाते है काली दाल। पास के अम्मा यहाँ हो। हाँ दीदी बतावा जाए। हाँ दीदी, कौन से दाल बनाए? माँ लड़कवा खनवे नहीं खा खाए। अरे दीदी मसूर के दाल बनाए है, कहूँ से अलग से ना लायन है। का दीदी मसूर के दाल तो अपने यहाँ होते नहीं है, बाजार से खरीद के लाई है। का दीदी मसूर के दाल हमारे यहाँ बहुत पैदा होते है, पूरे परिवार साल भर खावा जाते। फिर यहाँ का हुई गवा? का हो का हुई गवा, यहाँ का है खरीद? कुछ नहीं, मसूर दाल खरीदी, लड़का गुस्सान बैठा है। हम मसूर के दाल कहाँ पैदा होते, कहा तो जाए बाजार से ले आई। कहा भैया कहा बात? ठीक है भैया, मसूर के दाल हमारे इतना पैदा होता कि पूरा परिवार साल भर आराम से बैठ के खाते। भैया आप लोग मसूर की खेती कैसे करा जाते? भैया पिछले साल छिटुए बोए रहे, कुछ ना पैदा भा, भर्ती ना वापस आवा। अरे भैया कोनो बात नहीं है, वो थोड़ा तरीका बदल दे, उसके बाद पैदावार बहुत बढ़िया होगी। कहा भैया कहा बात बा, कोनो मशीन वसीन आई की जाए हमारे खेतों में बोई दी? भैया बहुत सही पकड़े है भैया, ये समझ लो कि मशीनें आई है थोड़े खेतों में बुआई करी। कहा भैया हम ही मिला रहे मजा लिए खेती। भैया हम धान मजाक नहीं उड़ाए थे, जीरो टिलेज एक मशीन आवा है, उसे मसूर के बुआई करबो तो पैदावार बहुत बढ़िया हुई। कहा भैया हम ही मिला रहे मूर्ख बनावे खातिर, गेहूँ बोए वाली मशीन से मसूर का बुआई करवाओ तो इतना साल से हम खेती करी थे। हाँ भैया हम तो हर बात माने थे, तुम मूर्ख नहीं बनाए थे। आज हम मसूर की बुआई करे जाए थे, अगर समय हो तो चल कर देख लियो। भैया समय के साथ परिवर्तन भी तो जरूरी है। भैया पहले मोबाइल फोन के बारे में कुछ जानत रहे हो? ना भैया। पहले जब लोग बता रहे कि एक शहर में बैठ कर दूसरे शहर में बात हो जाता तो हमें मजाक लग रहा। अगर आपके पास समय हो तो कल आए के वो प्रक्रिया देख लियो और सीख लियो। ठीक है भैया, तो हम चले था कल आए के देखा वो प्रक्रिया सीखा। लेकिन कै बजे आए भैया? भैया 12 बजे के पहले तो आ जाए। ठीक है भैया चले था फिर, नमस्कार। जय राम भैया। जय राम भैया। जय राम। थोड़ा लेट हो गया भैया, माफी चाहिए था। चलो भैया कोनो बात नहीं है, बीज शोधन के लिए पूरा सामग्री इकट्ठा कर लेना, चलो तुम बीज शोधन करके दिखाई दी। चलो भैया चलो। चलो भैया चलो। आओ भैया यहीं बैठो, बीज शोधन करके पूरा प्रक्रिया आपको समझा दी। ठीक है भैया। भैया और हाल चाल सब घर के ठीक ठाक है? हाँ भैया हाल चाल तो सब ठीक है ठाक है, लेकिन थोड़े मेहरारू हमारी तबीयत खराब रहा था, वहाँ दिखाए खाए जाग पड़त है। नीता बहने। हाँ भैया। तो मिथुन भैया गरम गरम चाय बनाओ, लो इन्हें पिलाया जाए। ठीक है लाइक लिया। भैया एक बात बतावा, बहुत देर से बीज शोधन करा था, ये बीज शोधन है का? भैया हम आपका सब बताए कि बीज शोधन है का, एका करे से आपका का फायदा मिली? भैया मसूर का बीज शोधन जीवामृत से किया जाता है। भैया ये जीवामृत है का? एका तो हम पहली बार सुनी थे। भैया वही सब हम बताओ जाए थे, पहले हमारा बतिया आप सुन लिया जाए, उसके बाद जो मनमाए जो सवाल पूछा जाए आपसे। हाँ भैया ठीक है बतावा जाए। भैया बीज शोधन में कुछ सामग्री लागत है, वक़्त देखा तो सीखत चलो। भैया हमें एक बीघा करती बीज शोधन करे है, ओकरे लिए भी हमें 3.5 लीटर जीवामृत लागी। भैया हमका एक बीघा बुआई करे है, ओकरे लिए हमका 2.5 किलो मसूर के बीज चाहिए। अब बीज शोधन का प्रक्रिया स्टार्ट करे जाये थे। देखा भैया अब मसूर के बीज के यहाँ जीवामृत में 25 मिनट के लिए डाल कर छोड़ दिया जाये। देखो भैया 25 मिनट के बाद यहाँ जो सब खराब बिया हुई सब ऊपर आ जाये, और जो खराब बिया हुई ओका सब छान के ऊपर सब बहा दिया जाये। भैया ये बताओ ये जीवामृत तो मिलत कहाँ है? भैया जीवामृत तो अपने घर पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जा सकता है, एक जैविक घोल है। भैया का बनावे करते कुछ सामग्री लागत है, जेकर नाम है बेसन, गुड़, बरगद के मिर्च मतलब पेड़ के नीचे के मिट्टी जहाँ रासायनिक खाद न डाला जात हुए, और देसी गाय के गोबर और पानी और गौमूत्र। इतना सामान का बनावे करते लागत है जो घर पर आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ठीक है भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज है जो घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाए सकत है। जीवामृत का प्रयोग सब दलहन फसल पर किया जा सकता है। भैया लिया जाए चाय पी ली जाए। जब तक भैया 25 मिनट तक भिगवा भिगवा है तब तक चाय पी लिया जाए आराम से। कहा भैया आपके पास गेहूं वेहूं सही पैदा भर है? हाँ भैया ठीक है पैदा भर है। चाय तो बहुत बढ़िया पिला बलबीर भैया, मजा आई गए।
चलो भैया 25 मिनट से आधा घंटा तक हो गया, चलो देख लिया जाए बीवा के का हाल है। चलो भैया देखा जाए। देखो भैया जितना बीज रहा खराब वो सब काला होएगा है, ऊपर आएगा है। भैया जो खराब बीज है काला होएगा है, काम सब निकाल के फेंक दिया जाए। जो खराब बीज है भैया ओका देखा जाए निकाल कर फेंके दी थे, और जो स्वस्थ बीज है वो सब नीचे बैठ गया है। देखो भैया कितना खराब बीज निकला है। देखो भैया बेका सूती कपड़ा से छान लिया जाता है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है भैया कि खराब बीज निकल जाते है बीज शोधन करके। भैया अब एक आधा घंटे के लिए जूट के बोरा पर छांव में यहाँ कहीं रख दिया जाए। अब एक भैया ऐसे फैलाए दिया जाए ताकि एक पूरा पानी सूख जाए। भैया आधा घंटा तो होएगा है, चलो वो का स्थिति होकर देख लिया जाए सूख गया कि अभी नहीं। ठीक है भैया चलो देख लियो। भैया देखो ये बहुत अच्छे से सूख गया है, ये मार ट्राइकोडर्मा मिलावा जाए। हाँ भैया सूख तो गवा है बहुत अच्छे से, पानी के मर गया सब। भैया ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम मतलब 6 ग्राम लागत है। भैया हमें तो एक बीघा बो एक है जमा 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा लागी। भैया शोधन करें तो हम सब जाए थे, लेकिन उससे पहले दस्ताना हाथ में जरूर पहन लिया जाए। भैया ये दस्ताना का है पहने तो? भैया जो ट्राइकोडर्मा दवाई है अगर हाथ में लाग जाते तो खुजली उजली करे लगा, तो इसलिए हाथ में दस्ताना लगा लिया जाता है। भैया बीज शोधन करे खाती ढक्कन युक्त मिट्टी के बर्तन चाहिए। देखो भैया बीज के मार डाल दिया जाता है। देखो भैया ये दवा निकालने के लिए एक तो चम्मच चाहिए, यानी कि एक चम्मच में 5 ग्राम दवा आवत है, ऐसे 3 चम्मच अगर डाला जाए तो 15 ग्राम हो जाए। एक मट्टी के बर्तन से ढक दिया जाए और का इसे घुमा दिया जाए ताकि मसूर के बीज के ऊपर ट्राइकोडर्मा के परत चढ़ जाए। अब यह देखा जाए मैं ट्राइकोडर्मक परत चढ़ गया है कि नहीं। भैया ट्राइकोडर्मक परत तो बहुत बढ़िया चढ़ा है। हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया चढ़ेगा। भैया ये ट्राइकोडर्मा दवाई किस लिए मिलावा जाता है? भैया बचपन में बच्चन का टीकाकरण काहे कराया जाता है? भैया यही लिए किया जाता है कि बच्चे स्वस्थ रहें ताकि कोनो रोग ना हो। वही तरह से हम सब बीजों का टीकाकरण किए जाते हैं ट्राइकोडर्मा से कि अगर जमाव बढ़िया हो पैदावार अच्छी हो कोनो रोग ना हो, यही लिए ट्राइकोडर्मा से हम सब एक बीज के शोधन किए जाते हैं। भैया हमारा बीज अब शोधित हो चुका है, अब एक हम सब 0 टिलेज मशीन में डाल कर बुआई किया जा सकता है। भैया ये बताओ कि यकै बुआई मशीन में डाल के कह सकी थे कि ऐसे हमरे सब कह सकी थे? भैया अगर यका ऐसे बो दिया जाए तब वो पैदावार हुई, लेकिन अगर 0 टिलेज मशीन से बोआ जाए तो पैदावार बहुत बढ़िया हुई। हाँ भैया तब हमरे सब के खेतों में यहाँ आधा बीज मर जात रहा, जमाव न पूरा होत रहा। भैया अब तो बीज शोधन हो चुका है, अब एक हमें मशीन से बुआई कह के दिखाई दियो। चलो भैया आगे प्रक्रिया अब एक हम मशीन में कह के खेत में दिखाई दिया आपका। चलो भैया का मशीन में डाल के बोआ जाए। चलो भैया।